हेलो एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में एक बार फिर से। दोस्तों नवरात्रि आ गई है तो आज का वीडियो नवरात्रि से रिलेटेड बहुत ही स्पेशल है। आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि में पहनने लेके बहुत ही सुंदर ज्वेलरी, जिसे आप खुद घर पर ही तैयार कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इस तरह से कोई लेस ले लीजिए और इसे इस तरह से डबल काट लीजिए। अब इस लेस को आपको इस तरह से जॉइंट करना है कि ये एक स्क्वायर में पेच बन जाए। आप यहाँ पर अपनी पसंदगी के हिसाब से लेस ले सकती हैं, या तो फिर आप अपने कोई भी पुराने कपड़ों में से इस तरह के पेच जो आते हैं उसे रिमूव करके उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये हमारा पेज रेडी हो चुका है। अब हमें एक कार्डबोर्ड कट कर लेना है इसी के नाप से। अब इस कार्डबोर्ड को हमें इससे थोड़ा कम करना है और इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे। आप यहाँ पर हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो पेज रेडी किया है उसके ऊपर इस कार्डबोर्ड को अटैच कर लीजिए। उसके बाद उसे ऊपर की साइड भी ग्लू लगा कर इस तरह से पेस्ट कर लीजिए। अब हमें लेना है एक प्लेन ब्लैक फैब्रिक, जिसे इसके एक नाप से शेप दे देना है। उसके बाद उसे भी हमें चिपका देना है। तो ये हमारे पेज की फिनिशिंग आ गई है और वो रेडी है। अब आपको इस तरह से कोई भी एक लेस लेना है। इस तरह की लेस मार्केट में रेडी मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं या आप घर पर भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पॉम्पम अटैच कर सकते हैं या फिर टैसल भी अटैच कर सकते हैं। लेस को अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर वुलन का यूज़ किया है। अलग अलग कलर के चार चार वुलन के थ्रेड लिए हैं मैंने और उसे इस तरह से गोल गोल घुमा दिया है। अब एक साइड नोट लगाइए और उसे हमारा जो पेज हमने रेडी किया है उसके साथ अटैच कर लीजिए। आप यहाँ पर आपकी पसंदगी की कोई भी रेडी डोरी लेकर भी अटैच कर सकते हैं। और इस डोरी में आप मोती भी लगा सकते हैं। इस डोरी की लेंथ आपको अपने पसंदगी के अकॉर्डिंग रखनी है। अगर आप इसे लंबा पहनना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा लंबी ही रखिए। अगर आप शॉर्ट पहनना चाहेंगे तो आप उसे थोड़ा खींच के बांध सकते हैं, तो ये थोड़ा छोटा भी बन जाएगा। तो ये हमारा नेकलेस बिल्कुल रेडी है। आप इसे गले में शॉर्ट पहन सकते हैं, लॉन्ग पहन सकते हैं। इसके अलावा आप इसे जूड़े की तरह भी कमर में लगा सकते हैं। आप इसकी डोरी थोड़ी लंबी रखेंगे तो आप इसे कमरबंद की तरह कमर में भी बांध सकते हैं। अब अपने हाथों के लिए भी कुछ बना लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने हाथ को नापकर अपने हाथ के साइज का लेस लेना है। आप अपनी पसंदगी का ऐसा कोई भी लेस ले लीजिए। अब इसके दोनों साइड मैं गोटा पट्टी अटैच कर रही हूँ। आप अपनी पसंदगी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गोटा पट्टी अटैच कर सकते हैं या तो फिर आप पोम-पोम भी लगा सकते हैं। दोनों साइड गोटा पट्टी को अटैच करने के बाद हमें साइड से भी इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर वेलग्रो अटैच कर सकते हैं, या तो अपनी कोई भी ओल्ड ब्रा के क्लिप ले लीजिए और उसे कट करके यहाँ पर अटैच कर दीजिए। तो बस रेडी है ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल बैंगल कहें या फिर ब्रेसलेट। आप इसकी साइज़ बड़ी करके आप बाजूबंद की तरह भी इसे पहन सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर और क्लासी लुक देता है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही यूज़फुल होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।